ताकि वो टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 24th करेंगे जिसमें हमारा किसका यूज है, रेंट चेंज होने का, रेंट चेंज हुआ और फिर वैकेंसी होगा और जो भी कुछ है वो देखो जरा क्या है। तो 24th क्वेश्चन है, कंप्यूट करना है IFHP मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विद हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो पहली बात थी ट्रीटमेंट ऑफ चेंज ऑफ द रेंट ड्यूरिंग द ईयर, ये टॉपिक है। इसके अंदर आपको क्या समझ में आया कि भैया जिस पीरियड जितना वैकेंसी होगा उसके लिए आपको जो रेंट लेना है वो कैसे लेना है, एवरेज रेंट लेना है। एवरेज रेंट कैसे आएगा, पूरे साल में जितने महीने भी भाड़े पे चढ़ा रहा उससे जो भी रेंट आया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स जब वो किराए पे लगा रहा, ठीक है। तो उसे एक रेंट निकल जाएगा, वो एवरेज रेंट होगा हमारा। तो एवरेज रेंटल वैल्यू रेंट रिसीव डिवाइड बाय लेट आउट मंथ, जितने महीने वो लेट आउट रहा। तो ये सवाल है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है आपको, फेयर रेंट दे रखा है 66, रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, मतलब कौन सा रेंट है ये, रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, तो कौन सा रेंट है ये स्टैंडर्ड रेंट है, ठीक है ना। नहीं लिखा स्टैंडर्ड रेंट तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड रेंट कौन सा वाला होता है जो कि एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, पढ़ा है हमने। एक्चुअल रेंट आपको मिला अप्रैल जुलाई का 4000 रुपए पर मंथ, उसके बाद अक्टूबर से मार्च का मिला है 6000 रुपए पर मंथ, मतलब बीच में कुछ महीने खाली रहा, अगस्त सितंबर दो महीने, ठीक है। वैकेंसी रही अगस्त सितंबर की। फायर एंड वाटर टैक्स पेड टू म्युनिसिपैलिटी कितना, 4000, एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया है वो कितना दिया है हमने, 3000 रुपए का। आपको IFHP निकालना है, करो सॉल्व फटाफट, कुछ लोगों ने घर से किया होगा, बाकी मैं कर रहा हूं। म्युनिसिपल, हां जी वो आएगा, जैसा आएगा वो मैं बताऊंगा। अभी अभी आपका ना सिंपली वैकेंसी अलायंस का जो ट्रीटमेंट बताया ना, ग्रॉस और नेट वाला, आपने वैसा वाला नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, आप वैसे कंपेयर करके कर रहे होगे ना। अब ग्रॉस और नेट से करोगे तो भी आपकी बातें वही चलेंगी, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको दे रखा है म्युनिसिपल वैल्यू कितना, 56,000। इसको कंपेयर किससे करोगे आप, फेयर रेंट से, जो कि कितना है, विच एवर इज लोअर, कितना आएगा, 56,000। तो मैं देख रहा हूं ना कितने सोए हुए हो आप, सुबह सुबह कितनी नींद खुली है वो पता लग रही है ना इससे, कोई कुछ नहीं बोला कर, अच्छा लोअर 56 भी आ गया। देन इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट कितना है, विच एवर इज हायर, अब नहीं लोअर, कितना। देन इसे कंपेयर करेंगे किससे, एआरवी से, एआरवी कितने महीने का लोगे, एआरवी कितने महीने का लेंगे, बताओ जरा, देखो समझो जरा एक चीज को। मैंने आपको जो पहले कहानी बताई थी वो कुछ ऐसी बताई थी कि जब आपका ईआरवी निकल के आता है, इसको आप कंपेयर करते हो किससे, एआरवी से, एंड एआरवी मस्ट बी फॉर 12 मंथ्स, रीजन बीइंग कि ईआरवी भी जो कितने महीने का है, 12 महीने का है, एंड ऑब्वियसली आप 12 महीने को 12 महीने से कंपेयर करोगे तभी जाके आपका क्या आएगा, ग्रॉस जीएवी। देन उसके बाद मैंने आपको बताया, अभी रुक जाओ, अभी सही नहीं हुआ, काटा पिटी ना कर देना। इसके बाद लेस करने के लिए मैंने बोला क्या, वैकेंसी अलायंस, उसके बाद क्या निकल के आएगा आपका, नेट एनएवी, जिससे फिर आप आगे काम करोगे, ठीक है ना, सॉरी नेट जीएवी, एनएवी नहीं, नेट जीएवी, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि एआरवी से ही वैकेंसी अलायंस को लेस कर दिया जाए, बात वही है, क्योंकि ये 12 महीने का और वैकेंसी कितने महीने का, 2 महीने का, तो इसको भी लेस करके आप इसको 10 मंथ्स का बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देखो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आप बोलोगे जैसे इसी सवाल पर अगर मैं करूं, यहां पे एक बार रफली कर रहे हैं कि आपका ये आ गया, ईआरवी आ गया 55,000, और यहां पे जब आप निकालोगे एआरवी, तो एआरवी में देखो आपको एक्चुअल रेंट कितना मिला है 4000 के हिसाब से 3 महीने का, तो ये कितना हो जाएगा 12000, और 6000 के हिसाब से कितने महीने का है बाकी, 7 महीने का। अब कितने लोग ऐसे हैं जो अक्टूबर से मार्च तक गिन रहे हैं कि 7 महीने होते कि नहीं होते, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये 3 महीने यहां चले गए,
2 महीने नीचे वो चिक चिक के कह रहा है कि क्या है वैकेंट, तो 5 महीने का हिसाब हो गया तो कितने महीने बचे? ओके, मैं इसे जून पढ़ रहा हूँ, मैं जून पढ़ रहा हूँ, सॉरी, ये 4 महीने तो फिर 6 हो जाएगा वो। मतलब आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करना है कि ये अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो रिमेनिंग वाला आपका रिमेनिंग मंथ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 16,000, और ये 6 महीने के हिसाब से, दैट मींस टोटल रेंट 52। ये आपको रेंट मिला है। अगर आप इससे अब निकालना चाहो कि आप ना वैकेंसी अलायंस, तो वैकेंसी अलायंस कैसे निकालोगे? तो वैकेंसी अलायंस आपने देखा कि कितना रेंट मिला डिवाइड में कितने महीने वो किराए पे रहा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा 5200, और मल्टीप्लाई में कितने महीने आपका वैकेंट है, तो ये कितना आ जाएगा? इस कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत नहीं? अगर इसके अकॉर्डिंग अगर ये किराए पे लगा रहता तो आपको टोटल किराया कितना मिलता? 52,000 प्लस 10,400, यही तो होता आपको जिस हिसाब से अलायंस मिल रहा है, 52,000 तो आपने कमाए और 10,400 का आपका नुकसान हो गया, ये तो मतलब है इसके लिए आपको छूट दी जा रही है। तो वो नुकसान अगर नहीं होता तो आपको कुल किराया कितना मिलता? 52,000 प्लस 10,400 दोनों को जोड़ देंगे, बताओ कितना आएगा? रुक जाओ, हाँ टोटल 62,400। अब जब मैं एआरवी निकालूंगा तो एआरवी में यहां पे मैं एक तरीका क्या कर सकता हूं, मैं लिखूं इसको 62,400 पूरे साल का रेंट। एआरवी मतलब कितनी रेंटल कैपेसिटी है उसकी ना, तो पूरे साल का जब इसमें से हायर निकालोगे तो आपका कितना आएगा? 62,400 जो कि क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस जीएवी, और इसमें से आप फिर वैकेंसी अलायंस लेस करोगे जो कि आपने निकाला है, कितना आया 10,400, और ये कितना आ जाएगा 52,000 विच इज जीएवी, नेट जीएवी, देन फिर म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह माइनस करोगे। एक तरीका ये है। इसका एक तरीका कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप सीधा सीधा एआरवी क्या लिखो, जितना आपको मिला कितना मिला अब, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करोगे, आपने एआरवी में देखो ध्यान दो यहां क्या किया आपने, किया 62,400 में से लेस कर दिया 10,400, ऐसे आया ये। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आप बोल दोगे विच एवर इज हायर कॉन 55,000, जो कि गलत हो जाएगा। मैं दो तरीके बता रहा हूं वैकेंसी अलायंस को करने के। एक तरीका आपको लास्ट क्लास बताया था जिसमें आपको क्या करना है कि एआरवी लेना है पूरे साल का, पूरे साल का लेने के बाद इसको क्या करोगे आप कंपेयर, कंपेयर करने के बाद जो भी आएगा उसको ग्रॉस जीएवी बोलेंगे, ग्रॉस जीएवी में से वैकेंसी अलायंस निकालेंगे, नेट एडीवी बोलेंगे। ये परफेक्ट है तरीका करने का। एक तरीका और होता है जो आपकी किताबों में या कई जगह पे दिखेगा, उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो एआरवी में से वैकेंसी अलायंस यही माइनस कर देते हैं, ठीक। अब जब माइनस करके 52,000 आया, लेकिन जब इसको कंपेयर करेंगे क्या निकालने के लिए, जीएवी निकालने के लिए, तो कंपेयर किसको करेंगे, इस 55,000 को कंपेयर करेंगे 62,400 से। मतलब कि ये जो एआरवी है 52,000, दिस इज लेस बिकॉज ऑफ वैकेंसी, 52,000 ये आ रहा है क्योंकि वैकेंसी था, अगर वैकेंसी नहीं होता तो ये कितना रेंट होता है यहाँ पे 62,400 से। तो बाप 55,000 को 62,400 से कंपेयर करोगे तो कौन सा हायर होगा? 62,400। अब इसको उन्होंने वो माइंड में करते हैं कि इन दोनों में से कंपेयर करना है विच एवर इज हायर, और जो भी हायर आएगा उसमें से 10,400 माइनस कर दोगे तो अगेन ये कितना बन जाएगा 52,000, सॉरी कितना बन जाएगा 52,000। ऐसे आपको करना नहीं है, इससे आपको करना नहीं है, करना आपको इस तरीके से। ये तरीका समझ में आ गया? यही आपने पिछली क्लास में किया था, ये तरीका मैं आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है। कि कई जगह पे आप ऐसा लिखा हुआ देखोगे कि वहां पे ना ये ग्रॉस जीएवी और नेट जीएवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये खुद का बनाया हुआ है, ये किताबों में नहीं लिखा होता, ये ग्रॉस और नेट वाला किताबों में लिखा हुआ। किताब का तो रूल यही है कि भैया एआरवी को एआरवी से कंपेयर करो एंड आ जाएगा जीएवी, ठीक है। ग्रॉस और नेट वाला कॉन्सेप्ट आपका किताबों में नहीं है। वो करने का तरीका क्या है, वो समझने का प्रयास कर लो। आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो आपको ये आता है, इससे आ जाएगा पेपर में आपके, ठीक है। हाँ जी, इधर समझो जरा, ये क्या हो रहा है। इस करने का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी एआरवी है उसमें से वैकेंसी अलायंस यही माइनस करना है, यही माइनस करके उसको बाहर लिख देना है, ठीक है। इन केस ऐसा होता कि ये अमाउंट छोटा होता, सपोज करो ये 400 ही होता, तो आपका बाहर फिगर कितनी आती है 62,000। आप इन दोनों को कंपेयर करते बोलते विच एवर इज हायर कितना 62,000 और 62 लिख देते, क्या वो टेक्निकली सही है? सही है। क्यों? क्योंकि 62,400 को जब 55,000 से कंपेयर करोगे तो बड़ा कौन सा होगा 62,400। मतलब लेना हाई है, कुछ भी लेना तो हाई। मतलब अगर हमारा एआरवी नहीं होगा, एआरवी
मैं वही तो कह रहा हूँ सुनो तो सही, एक बार यहां कॉन्सेंट्रेट करो, थोड़ा सा आएगा समझ में। मैं क्या कह रहा हूं कि यहां लिख दो बेशक कम, यार चुप हो जाओ, वैसे समझ नहीं आ रहा। यहां आपने इसको घटा के लिख दिया कम, लेकिन जब आप ये जीएवी के लिए हायर ढूंढने जाओगे तो इस कम वाले से कंपेयर नहीं करना, कंपेयर किससे करना है, इस 55,000 जो कि पूरे साल का है, और एआरवी में से ये ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है उससे नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो पूरे साल की फिगर लिखी है उससे कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करके बीच एवरेज हायर निकलेगा, उसको मैं यहां पे क्या नाम दे रहे हैं, ग्रॉस जीएवी। यहां पे कह रहे नाम मत दो, जो भी हायर निकलेगा उसको माइंड में ही हायर रखो और उसमें से वैकेंसी अलाउंस माइनस करो, सीधा जीएवी। वैकेंसी अलाउंस एबी माइनस हुआ ना, मैं लाइक यहां माइनस करके लिख दिया है, लेकिन जीएवी के टाइम पे आपको दोबारा से माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप कंपेयर इन दोनों को कर रहे हो, माइनस वाले से कंपेयर ही नहीं कर रहे। कितने लोगों, जो मैं अभी बोल रहा हूं समझ में आ गया, कितने लोगों को आ गया, किसको नहीं आया, ये वाला आ गया, हाँ बहुत है, छोड़ो, इसमें 52,000 है, 52,000 इसके आगे बढ़ रहे हैं। अब जीएवी के बाद क्या होगा, म्युनिसिपल टैक्स कितना है, 4,000, कितना आएगा ये, क्या कहलाएगा, इसमें से क्या लेस होगा, नालायक, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है, एनएवी नहीं निकालना, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं होगा, कितना आएगा 48,000 का 30%, वो हाथ पे हाथ रख के बैठा है, तो पेपर भी उधर ही होगा, 14,000 लेस करके बताओ, दूसरा तो है नहीं, एक और डिडक्शन होती है ना इंटरेस्ट वाली, वो तो है नहीं, तो वो निल हो जाएगा। इसको कौन सा सेक्शन है बोलते हैं, 24B, और ये कौन सा था, 24A, और कोई सा नहीं, हाँ जी बी है नहीं ना सवाल में, 33, दिस इज IFHP, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आता ना सर, इसकी डिडक्शन मिलती है क्या, इन खर्चों के लिए ही तो 30% मिलता है ना। अब इस लेवल पे आप पुराना सवाल पूछोगे, इस वाले में, इधर वाले में, हाँ 12 महीने का लिया, ऊपर वाला फॉर्मूला ये निकालने के लिए लगा कि 6,000 मतलब 62,400 कैसे आएगा, आपको तो सवाल में दे ही नहीं रखा ना, ये जो रेंटल वैल्यू है आपकी, रेंट रिसीव तो आपको कितने महीने का दे रखा है, 10 महीने का, 2 महीने का रेंट कैसे निकालोगे, वो इस फॉर्मूले से निकालोगे, वही तो किया हमने, इस फॉर्मूले की जरूरत क्या पड़ी, यही तो पड़ी ना। अब 2 महीने का रेंट क्या लो, आप बोलो तो 4,000 ले लेते, आप बोलते जी 4,000 के हिसाब से मान लो कि ये 4 महीने नहीं 6 महीने का 4,000 है, ठीक है ना, पर ये तो हमारा एक अपना कॉन्सेप्ट हो गया ना कि हम कुछ भी मान रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया एक कैलकुलेशन बता दी कि आपको जिस महीने का नहीं पता होगा वैकेंसी वाला पीरियड, उसका आपको रेंट निकालना है एवरेज करके, ठीक है ना, क्योंकि आपको कंपेयर करने के लिए चाहे इससे करो चाहे इससे करो, चाहिए तो वैकेंसी वाली फिगर भी ना, पूरी रेंटल तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भैया 2 महीने का रेंट जो आप निकालोगे वो इस फॉर्मूले से निकालोगे कि 2 महीना कितना आएगा, तो 10 महीने का जो भी आया डिवाइड में लेट आउट मंथ करेंगे और मल्टीप्लाई में 2 महीना, जो हमने यहाँ पे किया, 52,000 कमाया, तो इससे आपको पूरे साल का रेंट भी पता लगेगा कि 52,000 मिल गया, और इतना मिल सकता था अगर वैकेंसी नहीं होती तो पूरे 12 महीने में एक्चुअल में कितना मिलता, 62,400, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज ये हटाए कितने कहां पे, ये खुद ही कैलकुलेट कर लो 48,000 में से हटाऊ। ये जो दो बातें यहां समझाने की हल्की सी प्रयास की गई, समझ में आया, ये दोनों हल्का फुल्का समझ में आया कि देखो इसमें कुछ नहीं है, ये स्टेप बढ़ जाता है, इसमें वो कह रहा है उस स्टेप को किसमें करना है आपको, माइंड में करना है, इसमें वो कह रहा है कि लिख के कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके लिए बनाया गया क्योंकि आपको ये वाला कम समझ में आएगा जैसा हुआ अभी, तो इसलिए ये कि भैया तुम लिख लो कोई दिक्कत नहीं, नहीं अगर आपके हैबिट में आ गया ना, कई बच्चे इसी तरीके से करके आगे बढ़ जाते हैं कि उनको याद रहता है कि वैकेंसी अलाउंस के टाइम में क्या करना है, आपको एआरवी के अंदर, सुन लो एक बार बस, एआरवी के अंदर पूरा रेंट माइनस वैकेंसी अलाउंस करके सीधा बाहर लिख दो कि जी एक्चुअल में इतना मिला,
लेकिन जब कंपेयर करोगे तो कितना मिला उससे कंपेयर नहीं करना है, कितना मिल सकता था और उसको ईआरवी से कंपेयर कर लो, दोनों में से जो भी आपका क्या होगा हायर उसमें से वैकेंसी अलायंस जीएबी लिखते वक्त फिर से माइनस करो, जीएबी लिखते वक्त, ठीक है, क्यों, क्योंकि कंपेयर से कर रहे हैं। सपोज करो इन दोनों में से 55,000 बड़ा आ जाता तो ये नहीं कि सब 55 लिख देते, वैकेंसी अलायंस से फिर भी माइनस होगा ना, तो वैकेंसी अलायंस फिर 55,000 से माइनस करके फिर जीएबी लिखते। इसमें क्या होता है, हाँ कंपेयर फुल 12 मंथ से ही होगा। इसमें क्या है, हम कहते हैं भैया छोड़ो ये दिमाग में करना, दोनों में से जो हायर है उसको लिख दो, चाहे ईआरवी हायर है चाहे ईआरवी हायर है, और वैकेंसी अलायंस है वो तो माइनस करना ही, ये तो कर ही दो। बुक्स में प्रेजेंटेशन इसकी ऐसे होती है, दिस इज लैबोरेटिव और बड़ा हो गया ना, हम कोई शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं उसको और लेंदी कर रहे हैं, तो लेंदी कभी भी कॉन्सेप्ट को करोगे तो नंबर नहीं कटते, कॉन्सेप्ट को अगर हम छोटा करते ना तो नंबर कटते, ठीक है। कई किताबों में ऐसा भी है सिंप्लीफाइड करने के लिए, बट ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लाइक इसको अगर आप समझ के किसी को समझाओगे तो उसको लगेगा भाई साहब ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसको समझाओगे उसे लगेगा यार क्या है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है, हाँ जी ठीक है। अरे वैसे में दिस इज थोड़ा टेक्निकल हो गया, तो टेक्निकल वे में अगर आपको समझेंगे तो आपको लगेगा हाँ टैक्स पड़ा हमने, ये लगेगा यूआरवी माइनस कर रहे थे वैकेंसी माइनस कर रहे थे। अब सोचो इसी के अंदर यूआर अगर घुसा दे तो कितना थोड़ा सा मस्ता नहीं हो जाएगा। आप क्या करोगे एआरवी के टाइम में, सपोज करो 62,400 इज योर फुल लेस आपका 10,400 और इसके अंदर अगर यूआरवी होता सपोज 5,000 का तो ये भी माइनस होता इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अब जब माइनस होता, लेकिन जब आप ईआरवी से कंपेयर करने जाते, जब ईआरवी से कंपेयर करते तो क्या करते, इनको कंपेयर करते, दिस माइनस दिस जो 52,000 आ रहा है उससे कंपेयर करते ईआरवी को, और जो भी हायर आता है उसमें से वैकेंसी अलायंस माइनस करते और यूआरवी माइनस करते। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है ये, और इसमें क्या होता है बिल्कुल सिंप्लीफाइड, अच्छा पहले यूआर माइनस कर दो फिर जो आएगा ग्रॉस ये भी कह दो फिर वैकेंसी अलायंस माइनस कर दो, ठीक है, समझोगे इसको ना दोबारा तो समझ में आएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आप फर्स्ट क्लास में ना ऐसे मुझे ये वाला करते बताने के लिए, मैंने नहीं बताया था पिछली वाली क्लास में जब वैकेंसी शुरू हुआ था हमारा। चलो सेल परचेज है, इसमें कुछ खास नहीं होता, सेल परचेज के अंदर क्या होना है हमारा कि अगर जिस मंथ तक जिसमें हमने सेल कर दिया उस मंथ तक ही रेंट का आपको टैक्स देना पड़ेगा, और इनकेस अगर आपने परचेज किया था साल के दौरान, अगर परचेज करते हो तो जब आपने परचेज किया उसके बाद से लेकर 31 मार्च तक का रेंट आपको उसके ऊपर टैक्स लगेगा, सिंपल सी बात है। और अगर मैंने सेल किया तो अप्रैल से लेकर जिस पीरियड में सेल कर दिया उस पीरियड के ऊपर आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। क्या सवाल है ना, देखो मेरे पास एक घर सालों से चलता आ रहा था, मैंने इस साल के दौरान यहाँ पे बेच दिया उसको सपोज करो 30 जून को, ठीक है, उसके बाद मैंने बेच दिया तो ऑब्वियसली बात है मैंने रेंट कितने पीरियड में कमाया इस पीरियड में, इसका मैं टैक्स दे दूंगा। अब भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ पे एक फिर परचेज कर लिया, तो भाई साहब जब परचेज कर लिया तब से लेके 31 मार्च तक का रेंट पे और टैक्स दे दोगे अगर रेंट कमाया पूरे साल, क्यों भैया बीच में जो पीरियड था वो बच गया ना, जिस पीरियड आपके पास मकान ही नहीं था, मुद्दा तो ये ना जिस जब तक आप मालिक थे किसी भी घर के तब तक करंट देना है, तब तक के ऊपर टैक्स देना है, ठीक है, ओके। इसके ऊपर एक सवाल देख लो, 26th है, मिस्टर ए ने परचेज किया प्रॉपर्टी को 1/7/2015 में एंड लेट आउट कर दिया 1/8/2015 में, ध्यान देना इसके अंदर 1/7/2015 में खरीदा, ये 15 मान लो 18 मान लो कुछ भी मान लो, और 1/8/2015 में इसको लेट आउट कर दिया 5,000 पर मंथ के नाम से, ईआरवी दे रखी आपको 66,000 आपको निकाल के दे दिया, आसान हो गया। म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है 3,000 का, एनएवी निकालना है, बताएं कैसे निकालोगे, बताओ 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 कैसे करेंगे। सबसे पहले ईआरवी बताओ कितना लिखूं, ये बताओ कितने महीने तक ये मालिक रहा, ए जो है कितने महीने मालिक रहा, अब पगला गए होगा, पगला उला गए होगा यार, किसी साल में उसने 1 जुलाई को घर खरीदा, ठीक है 1 अगस्त को उसने उसको भाड़े पे लगा दिया, तो मालिक तो 31 मार्च तक है 1 जुलाई से लेके, ये थोड़ा बेच दिया 1/8 को, आपके माइंड में चल रहा है 1/8 को बेच दिया, लेट आउट का मतलब बेचना नहीं होता, लेट आउट का मतलब किराए पे लगाना होता है, हद हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि कितने साल वो मालिक, कितने महीने वो मालिक रहा, 1/8 से काउंट करोगे 1/7 से काउंट करोगे, कितने लोग कह रहे हैं 1/8 से करेंगे, मैंने जो पूछा उसका हर्ष जवाब देना है, कितने लोग कह रहे हैं 1/8 से करेंगे,
उठा लो भैया, हाथ उठा लो, कोई बात नहीं, थकता नहीं इंसान। एक आर्ट वाले महान लायक, ये सीधी सी बात है। अगर मैं एक साथ को घर खरीदूंगा तो क्या मैं मालिक नहीं हो गया? मैं पूछ रहा हूं कब तक, कितने पीरियड में वो मालिक है? एक साथ को अगर मैंने घर खरीदा तो क्या मैं मालिक हूं कि नहीं हूं? अब मैं भाड़े पर बेसिक 6 महीने बाद लगाऊं, क्या मेरे से कोई घर ले जाएगा? मेरा मालिक तो मैं ही हूं। तो एक साथ को अगर मैंने घर लिया है तो एक साथ से लेकर 31 मार्च तक क्या है, उसका ऑनरशिप मेरे पास है। तो मतलब क्या उस पीरियड के रेंट के ऊपर मेरी लाइबिलिटी है? हाँ। अब मैंने उसको भाड़े पे कब लगाया? 1/8 से। दैट मींस दिस वंथ मंथ क्या है, ये एक महीना जो है ये क्या है, ये वैकेंसी अलायंस है। ये किसका पार्ट आएगा? वैकेंसी अलायंस का। कि भैया 1/7 को मैंने ले लिया था, 1/8 से लेकिन किराए पे लगा, तो जो जुलाई का महीना है वो क्या है रहा आपका? वैकेंट। तो उसके ऊपर वैकेंसी अलायंस आपको मिल जाएगा। ऑल इज वेल। अब बताओ ईआरवी कितने महीने का कैलकुलेट होगा? ईआरवी जो दे रखा है यहां पे मैं कितना लिखूं? 66,000। 66,000 लिखें। ईआरवी जो निकलेगा वो कितने महीने का निकलेगा? आप कितने महीने मालिक हो 1/7 से? आप कितने महीने मालिक हो 1/7 से ना? तो 9 महीने का, 9 महीने का आपका ईआरवी रेंट। आपने 8 महीने का कमाया लेकिन फिर भी लिख लोगे कितने महीने का? 9 महीने का। और 1 महीने का आपको छूट ले जाओगे वैकेंसी अलायंस के नाम से। तो ओवरऑल जो आप कंपटीशन बना रहे हो वो कितने महीने का बना रहे हो? 9 महीने का। क्योंकि आप जो मालिक हो वो कितने महीने के मालिक हो? 9 महीने के। समझ में आ रही बात? वो लगवाता है कि आपको किराया कितने महीने का मिला है? 8 महीने का। तो वही तो 1 महीने की आपको छूट मिलेगी ना वैकेंसी अलायंस के नाम से। आलिस बेल, तो ईआरवी 9 महीने का बताओ कितना है? 49,500। नाउ एआरवी निकालोगे, एआरवी जो आपका है वो कितना है? कहां गया रेंट? कितना मिलता है इसको? 5,000 रुपए। 5,000 इंटू कितने महीने? 8 महीने, 9 महीने। कितने लोग कह रहे हैं? 8 महीने। पहले तो ये बताओ, चलो 8 महीने भी ठीक हो सकता है, 9 महीने भी ठीक हो सकता है, पहले ये बताओ आप किस मेथड से कर रहे हो? मैंने 2 मेथड कराया था, एक ग्रॉस और नेट जीएबी वाला और एक बिना ग्रॉस जीएबी वाला। तो आप किससे पहले कर रहे हो ये बताओ? हम ग्रॉस वाले से कर रहे हैं, ठीक है? सिंपल वाला जो था कि ग्रॉस जीएबी फिर नेट जीएबी निकालेंगे। अब बताओ कितने महीने का? 8 या 9? 9। अगर आप ग्रॉस नेट से करोगे तो आपको 9 महीने का करना पड़ेगा, ठीक है ना? कि पूरे पीरियड जब तक ये मालिक था तब तक ये कितना रेंट कमा सकता था? कितना आएगा? विच एवर इज हायर, दिस इज वॉट जीएबी। कौन सा वाला? ग्रॉस जीएबी। हायर लोगे कितना आएगा? 49,500। इसमें से लेस करोगे क्या? वैकेंसी अलायंस जो कि 1 महीने का, तो 5,000 ही आ जाएगा। किसी के मन में ये आ रहा है कि यहां पे भी आपको वो निकालना चाहिए एवरेज? एवरेज जब दो डिफरेंट रेंट हो, एक अगर है तो इसका एवरेज निकालोगे भी तो भी 5,000 ही आएगा, क्योंकि 5,000 × 8/8 तो वो 5,000 ही हो जाएगा, ठीक है? बताओ कितना आएगा? 44,500। दिस इज व्हाट नेट जीएबी। और इसके बाद और क्या दे रखा था? म्यूनिसिपल टैक्स है, ये माइनस कर दोगे कितना? 3,000। ठीक है, आ जाएगा एनएवी कितना? क्लियर है? गलती बस आपकी थोड़ी बहुत यही हो सकती है कि आप महीने गलत गिन लो या फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट को कुछ आगे पीछे कर दो महीनों में, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है। ये अगला वाला आपका होमवर्क में आ जाएगा, अभी एंड में क्लिक कर लेना, ठीक है? एक कर लिया, एक होमवर्क हो जाएगा, हटाएं इसको। एक छोटा सा टॉपिक और समझ लेते हैं अगला वाला, फिर आज के लिए खत्म कर देंगे। हाँ 27 होमवर्क, अभी क्लिक करवा दूंगा, रुक जाओ। हो गया, चलो जी। अगला पॉइंट आता है आपका कंपोजिट रेंट। अब ये कंपोजिट रेंट क्या होता है? कंपोजिट रेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या है? कि जहां पे आपको रेंट जो लिया जा रहा है, आपको मकान दिया गया है और मकान के साथ साथ कुछ फैसिलिटीज दी गई हैं, अब कुल मिला के रेंट लिया जा रहा है आपसे, ठीक है? फैसिलिटीज का मतलब क्या है? सपोज आपको फर्नीचर वगैरह दे रखे, प्रोवाइड कर रखे, तो फर्नीचर का भी रेंट लेंगे वो आपसे, सिर्फ मकान का तो नहीं लेंगे। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में तो सिर्फ मकान आता है, फर्नीचर का रेंट तो आता नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि सपोज करो मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब आपको कैसा मकान चाहिए, फर्निश्ड या अनफर्निश्ड, ठीक है? आप कहते हो जी अनफर्निश्ड, तो अनफर्निश्ड में आपसे किसका रेंट लूंगा? सिर्फ और सिर्फ मकान का, उसके अंदर फर्नीचर वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, उसका एक रेंट होगा।
मैं आपसे कहता हूं जी अनफर्निश्ड जो है वो 10,000 रुपए पर मंथ का और फर्निश जो है वो 15,000 रुपए पर मंथ का है। That means what? कि 5,000 जो मैं ले रहा हूँ किसके ले रहा हूँ, जो मैंने फर्नीचर्स दिए हैं उसका रेंट ले रहा हूँ, वो भी तो रेंट लूंगा ना, एसी फ्रिज वगैरह सारी चीज आपको मैं दे रहा हूँ तो उसका भी तो कुछ रेंट लूंगा आपसे मैं। आप यूज करोगे उसको उसका रेंट लिया जाएगा ना, तो ऑब्वियसली बात है फर्निश्ड जो होगा वो अनफर्निश्ड से महंगा होगा, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो क्या होगा आपका उस फैसिलिटीज का रेंट जो आपको दी जा रही है उस मकान के साथ। ठीक, तो जहां पे आपको मकान दिया जा रहा है साथ में कुछ और चीजें भी दी जा रही है और उसको मिला के एक रेंट लिया जा रहा है, दैट इज व्हाट कंपोजिट रेंट। ठीक है, कि मकान दिया गया साथ में कुछ फैसिलिटीज दी गई और सबको मिला के एक रेंट लिया गया, वो क्या है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट में और चीजें भी हो सकती है, सपोज गार्ड है आपका, गार्ड की मैं आपसे अलग से कुछ पैसे ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं गार्ड की फैसिलिटी भी इंक्लूड, लिफ्ट की फैसिलिटी भी इंक्लूड, सब इंक्लूड करके एक रेंट ले रहा हूं आपसे, तो वो क्या है आपका कंपोजिट रेंट, जहां पे मकान भी और एडिशनल बहुत सारी चीजें और भी आपको दी जा रही है। ठीक है, पढ़ो जरा क्या कह रहा है, इन दिस सिचुएशन मूव हो गया ना, हाँ, इन दिस सिचुएशन द कंपोजिट रेंट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन द रेंट ऑफ बिल्डिंग व्हिच इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एआरवी एंड टू द रेंट ऑफ फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी फूड क्लॉथ वॉशिंग गार्ड केबल टीवी एक्सपेंसेस एटीसी व्हिच एवर इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इफ रेंट कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड then total rent shall be treated as the, in the chapter of IFOS. IFOS का मतलब है income from other sources. ठीक है, जैसे आपका IFHP चल रहा है तो वो IFOS हो जाएगा, like example paying guest accommodation, renting of hospital, cinema hall, etc. The test to determine the above concept is that if building is capable of being let out without attached furniture, machinery, machines and facilities, then the rent charge shall be disintegrated. If this is not the case, then the rent shall be treated as like business receipts or income from other sources. क्या कह गया पूरा पूरा कि भैया अगर ऐसा है कि आप उसको अलग कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल बोला कि 10,000 वैसे है 15,000 वैसे, तो अलग हो सकता है ना, 5,000 फैसिलिटीज के लिए जा रही है तो आप 5,000 को छोड़ दो, जो 10,000 है वो कहां ले जाओगे अपने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर और उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। जो 5,000 की इनकम आपको आ रही है वो 5,000 की इनकम कौन सी इनकम कहलाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, हाउस प्रॉपर्टी की नहीं कहलाएगी, वो अलग हेड की हो जाएगी। नंबर वन, अगर ऐसा है कि आपको मकान के साथ जो फैसिलिटी दी जा रही है उसको आप अलग अलग ही नहीं कर पा रहे, आपको पता ही लग रहा है कि कितने ये फैसिलिटी के ले रहा है और कितने ये मकान के ले रहा है, तो उस केस में पूरा का पूरा 15,000 रुपए जो है वो कहां चला जाएगा, अदर सोर्सेज में, हाउस प्रॉपर्टी में वो आएगा ही। ठीक है, एलिजिबल कि अगर आपको आप अलग क्या कर पाना है, मतलब आपको सवाल में का डाटा दे रखा है जिससे आप रेंट अलग कर सकते हो और फैसिलिटीज की वैल्यू को अलग कर सकते हो, तो उस केस में अलग कर लोगे, रेंट वाले को ले जाओगे हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, जैसे हम करते आए एआरवी के अंदर जितना रेंट होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, और बाकी जो पार्ट रह गया वो कहां चला जाएगा, सीधा सीधा अदर सोर्सेज की इनकम में आ जाएगा, अगर तो उसको अलग करना संभव है। और अगर ऐसा है कि वो अलग हो ही नहीं सकता, अलग हम उसको किसी भी तरीके से कोई भी कैलकुलेशन आपको डाटा अवेलेबल नहीं, आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके अंदर सारा का सारा कहां चला जाएगा, अदर सोर्सेज के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इनकम रहेगी लेकिन वो इनकम कहां की रहेगी, अदर सोर्सेज की। क्लियर है? अब जैसे इन्होंने एग्जांपल में लिखा ना कि जैसे कि आपको हॉस्पिटल के कुछ कमरे होते हैं वो रेंट पे दिए जाते हैं, तो उसमें आप नहीं बता सकते कि कितना रेंट है क्योंकि उनका पैशन नहीं है ना ये करना, वो तो जी कुछ पीरियड के लिए दिया, आप एक महीने तक हॉस्पिटल का आपने कमरा लेके रखा रेंट पे, तो उस रेंट की वैल्यू को अलग नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर और भी चीजें दी गई थी। जो पेइंग गेस्ट होते हैं जैसे पीजी वगैरह जो होते हैं आपके, तो उसके इसमें क्या होता है, उसके अंदर आपको पूरा एकोमोडेशन भी मिलता है, तो कई बार तो उसको अलग करना पॉसिबल है, बट कई बार ऐसा होता है कि पॉसिबल नहीं है, आपका मकान है उसमें दो तीन लोग शेयर कर रहे होते हैं और आपको सारी फैसिलिटीज दी गई होती है, तो उस केस में अगर नहीं हो सकता तो उस केस में आपको कहां लेके जाना है उसको, अदर सोर्सेज के अंदर, टैक्स तो आप पे तब भी लगेगा। अब देखो जरा ये सवाल, एक अ बिल्डिंग इन रोहिणी इज लेट आउट एट द रेट 6,000 पर मंथ इंक्लूडिंग 1,000 पर मंथ फॉर फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, पता लग रहा है 1,000 रुपए पर मंथ है, तो मतलब 5,000 रुपए किसका है, मकान का। ईआरवी ऑफ बिल्डिंग इज 54,000 पर एनम, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, म्युनिसिपल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है और रिपेयर एक्सपेंस है, कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सिंपल है, आप इस 6,000 को नहीं मानोगे, क्या मानोगे यहां पे 5,000 रुपए, और 5,000 के हिसाब से काम कर लोगे। अच्छा, अदर सोर्सेस का जब करोगे तो कैसे करोगे, चलो इसको कर लेते हैं एक बार फटाफट से। इसके बाद क्या है आपका, ओके, इसके बाद एक समरी आ जाएगी, मतलब मोटा मोटा आपका ना पॉइंट खत्म हो गया, एक बस अब इंटरेस्ट रह जाएगा इसके बाद, इंटरेस्ट के ऊपर जो कैलकुलेशन है। देखो जरा इसको कैसे करेंगे आप, आपको दो कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी, एक किसकी, हाउस प्रॉपर्टी का, और दूसरी किसकी, अदर सोर्स की। पहले हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू कितना दे रखा है आपका पता है, नहीं सीधा ईआरवी पता है, ईआरवी कितना है पूरे साल का लेंगे, जब आप एआरवी निकालोगे, वैकेंसी वैकेंसी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 6,000 ना लेके कितना लोगे, 5,000 इंटू 12 कितना,
विच एवर इज 60, देन इसमें से क्या लेस होगा, कितना म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है 2500, कितना आएगा एनएवी, इसमें से और क्या लेस होगा 30%, 24 ए का, तो ये कितना हो गया 57,500, 30% बताओ, 30% बोलो 17,250, और 24 बी तो आपको है नहीं, ये 24 बी ही बचा है जो हमें अभी सीखना है, और बताओ क्या आ जाएगा IFHP 40,250, ये सिंपल हो गया। दूसरा IFOS निकालना है आपको, तो देखो 1000 रुपए ले रहा है वो, ठीक है ना, तो 1000 किसके ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के चार्जेस ले रहा है, 1000 पर मंथ, तो साल का कितना हो जाएगा 12,000, ये इनकम हो जाएगी इसकी। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जिस पर्पस के लिए उसने इनकम ली है, अगर उस पर्पस के लिए कुछ खर्च भी कर दिया तो सारी इनकम थोड़ना होगी। आपसे मैंने बिजली के लिए पैसे लिए और बिजली का बिल जमा कर दिया, तो मेरा क्या बचा, कुछ नहीं, और अगर मेरा बच रहा है तो मेरी इनकम है, आ रही बात समझ में। तो इसने 12,000 रुपए लिया अपने किराएदार से इनके नाम पे, और इनके नाम पे खर्च कितना कर दिया, देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दिया है 6,000 रुपए, मैं इसको एक साथ ही लिख दे रहा हूं यहां पे, एक्सपेंस कितने किए 6,000 रुपए, और वाटर का कितना दिया है, रिपेयर का कितना दिया है, रिपेयर का कितना है, रिपेयर नहीं लेंगे, ठीक है ना, जिस पर्पस के लिए आपने इनकम ली है उसी पर्पस के एक्सपेंसेस लेस होंगे। रिपेयर की छूट आपको कहां मिल गई, इसके अंदर मिल गई है 30% के अंदर, उसको अलग से आपको नहीं लेना, ठीक है। तो कितना हो गया 6,28,8,100, तो अब आपका इनकम बच गया जो बच गया, मतलब आपने बिजली और पानी के नाम पे 12,000 रुपए लिए और बिजली और पानी के नाम पे आपने 8,100 रुपए खर्च कर दिए, तो जो बचा डिफरेंस वो आपकी इनकम है, कमाई है, कितना आएगा 39,000। इस तरीके से कंपोजिट ट्रेंड के सवाल को करना होता है। कंपोजिट ट्रेंड आपसे तभी पूछेगा इस चैप्टर के अंदर जब उसको अलग करना पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर अलग करना पॉसिबल ही नहीं है तो वो कहां में चला जाएगा, अदर सोर्सेस के अंदर, इस चैप्टर में वो सवाल ही नहीं आएगा, सवाल ही नहीं आएगा ना, फिर तो सवाल ही नहीं बना ना, वो अकाउंट्स जाग रहा अंदर से ना, ठीक। ऑल इज वेल, तो ये आपका था यहां तक का, अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बचा है उसको करेंगे अगली क्लास में, यहां तक के क्वेश्चंस ले लो, हटाओ इसको, चलो मैं इसको तो क्लोज कर दूं।